हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेन्यू विद शुभी मिन्हाज। तो मैं हूँ शुभी। तो आज मैं इस चीज़ को यूज़ करके केक बनाऊंगी और इसको कैसे लगाना है, कैसे सेट करना है, ये सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले क्या करना है, इस डब्बे को हम क्लीन रैप से पूरा अच्छे से पैक कर लेंगे ताकि ये केक से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आए। तो इस तरह से हमें पैक कर लेना है और आगे के टैप के पार्ट को छोड़ देना है और बाकी एरिया को हम अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। तो ये हो गया है कवर। अब इसको हम रखेंगे साइड में और चलेंगे अपने केक की तरफ और उसकी लेयरिंग करेंगे। तो केक मैंने बेक करके रखा है, पाइनएप्पल फ्लेवर का है। तो दो जगह मैंने एक बराबर टिन में बेक किया है ताकि मेरे केक में अच्छी हाइट आए, क्योंकि इस केक में हाइट होना ज़रूरी है। जब तक हाइट नहीं होगी तो ये जो डब्बा था वो केक के अंदर सेट नहीं हो पाएगा। तो इस केक की, जो बड़े वाले केक की, मैंने 5 लेयर कट की है और छोटे वाले की 2 लेयर। तो ये 5 लेयर मेरी कट गई है। अब छोटे वाले लेयर को भी काट लेंगे। तो इसकी मैंने 2 लेयर ही कट की है। तो इसके टोटल 7 लेयर मेरे पास हो गया था। और प्रीमिक्स में मैंने पाइनएप्पल इमल्शन मिलाया है और उसको बेक किया है। तो लेयर सारी हो गई है, कट गई है। अब एक बोर्ड लिया मैंने। अब पहले क्रीम हम अलग कर लेंगे, जितनी क्रीम हमें अंदर लगानी है। और इसमें मैंने मिलाया ये पाइनएप्पल का इमल्शन अच्छे टेस्ट के लिए और फ्लेवर के लिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है क्रीम के अंदर और साइड में रखा है। अब इसकी सोकिंग हम करेंगे पाइनएप्पल क्रश और पानी के मिक्सचर से। पहली लेयर रखी है बोर्ड पर और उसको सोक किया है ये क्रश और पानी से। उसके बाद ये थोड़ा सा मुझे किनारे लग रहा था तो मैंने इसे थोड़ा सेंटर में लिया है। और पहली दफ़ा मैं बना रही हूँ तो आइडिया नहीं है कि कितना इसको किनारे रखना चाहिए या बोर्ड का साइज़ क्या लेना चाहिए। तो कोई ये ऑर्डर का केक नहीं है, बस ऐसे ही आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी इसलिए मैं बना रही थी। क्रीम लगाई है जितनी ज़रूरत है, उसके बाद इसमें क्रश लगाया है पाइनएप्पल का, थोड़ा सा पाइनएप्पल फिलिंग भी डाली है अच्छे टेस्ट के लिए। और इसको स्प्रेड कर देना है जैसे सब केक बनाते हैं। अभी तो वही काम करना है, पूरे केक की लेयरिंग करनी है सिंपली जैसे हम हमेशा करते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे लेयर्स को सेट कर लिया था। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी दे दीजिएगा। और इसी तरह से मैंने सारी लेयर्स अपनी सेट कर ली थी। तो 7 लेयर मेरी सेट हो गई है। अब टॉप लेयर को भी थोड़ा सोक कर देना है और उसके बाद हम इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे। और इसको सेट करने के लिए कुछ देर फ्रिज में रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप सेट नहीं कीजिएगा तो फिर परेशानी होगी ज़्यादा। तो मैंने भी इसे 1-1 घंटे के लिए छोड़ दिया था फ्रिज में ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो क्रम कोटिंग हो गई, इसको मैंने फ्रिज में डाल दिया था और 1 घंटे बाद मैंने इसको बाहर निकाला। और उसके बाद ये मैं देख रही हूँ कि कहाँ पर हमें सेट करना है इस डब्बे को और कितनी दूर कट करना है। तो मैंने इसका यहाँ पर निशान ले लिया है उसी डब्बे से और उसी हिसाब से मैं इसको काट रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी कोई आइडिया नहीं है कि इसको करना कैसे है। मैंने देखा था कई लोगों ने बनाया है ये केक, तो सोचा मैं भी बनाती हूँ और आपके साथ वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। तो देखिए केक जब मैंने काट के निकाला तो लेयर्स कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अब यहाँ पर मैंने बॉक्स को सेट कर दिया है। अब इसको हम प्रेस कर करके बराबर करेंगे और इसको शेप देने के चक्कर में थोड़ी क्रीम ज़्यादा लगती है। अब ये बॉक्स को खोल के मैंने इसमें ये जूस भर दिया है, ऑरेंज जूस, और इसके लिड को हम बंद कर देंगे।
हाँ मैंने लिड टाइट बंद कर दिया है, आप टाइट मत बंद कीजिएगा, लूज ही बंद कीजिएगा थोड़ा, ताकि इसके अंदर एयर जाए, क्योंकि एयर अगर नहीं जाएगी तो आपका जो जूस है वो निकल के बाहर नहीं आएगा। अब इसकी क्रम कोटिंग एक बार फिर से मैंने कर दी है और बराबर से इसको शेप देने के लिए तो क्रीम दाल लगानी ही पड़ेगी। तो अच्छे से मैंने क्रम कोटिंग की है, थोड़ी ज़्यादा ही क्रीम से की है। और जहाँ पर ये टैप कनेक्ट हुआ ना, वहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग देंगे, क्योंकि वो दिखना नहीं चाहिए कि वहाँ पर से केक दिख रहा हो, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब ये क्रीम जो बची हुई थी उसी में मिलाया मैंने चॉकलेट कलर, और इसकी हम फाइनल आइसिंग इसी कलर से करेंगे। तो इस तरह का कलर मैंने रेडी कर लिया है और इसको पाइपिंग बैग में भर लिया है और बड़ा सा कट लगाया है। बड़ा सा कट इसलिए लगाया है कि मुझे क्रीम की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि बैरल है तो बैरल थोड़ा सा गोल, मतलब बीच में थोड़ा गोल होता है, तो बीच के साइड में क्रीम हम थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे और ऊपर नीचे थोड़ा कम लगाएंगे। क्योंकि ये सिंपल केक नहीं है तो के आप थोड़े कम क्रीम से काम चलाइएगा। अगर कोई इस तरह का शेप देना होता है केक को तो क्रीम ज़्यादा लगती है, तो अगर कोई आपको ऑर्डर दे बनाने के लिए बोले तो उसको आप ये बात क्लियरली बताइएगा कि ये वाले केक बनाना है तो क्रीम ज़्यादा लगेगी, तो बाद में फिर ये नहीं बोलिएगा कि क्रीम बहुत थी। अब इसको हम पैलेट नाइफ से अच्छे से बराबर कर लेंगे। एक बार पैलेट नाइफ से मैंने बराबर कर लिया था, ऊपर मैंने क्रीम अब नहीं लगाया क्योंकि ऊपर तो अब मुझे फ्लावर बनाना है इसीलिए। तो जो क्रीम थी उसी को मैंने स्प्रेड कर दिया अच्छे से। उसके बाद ये वाले स्टील वाले स्क्रेपर से मैं इसको बराबर कर रही हूँ, लेकिन इससे काम हुआ नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद मैंने ये इस तरह का जो स्क्रेपर आता है सॉफ्ट वाला, उसको इस गोल कर, मतलब थोड़ा सा हाथ से फोल्ड करके गोल शेप दे करके उससे बराबर किया, तो प्रॉपर जैसा शेप होता है वैसा शेप मुझे मिल गया था। तो बहुत अच्छे से घुमाते घुमाते मैंने इसको बराबर किया, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर क्रीम भी लगाया और अच्छी तरह से इसको फिनिशिंग के साथ कंप्लीट किया। तो इस केक को बनाना बिल्कुल इजी नहीं है, मेहनत बहुत है इसमें और टेक्निक भी है। कुछ भी अगर नहीं गड़बड़ होगी तो आपका प्रॉपर, मतलब ये चीज़ कामयाब नहीं होगी। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बना तो मैंने बहुत अच्छा लिया था, लेकिन लास्ट में जो हुआ वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, आप देखते रहिए। अब ऊपर भी मैंने एक बार बराबर कर दिया अच्छे से, और फिर जहाँ पर क्रीम कम लग रही है आपको दिख रही होगी वहाँ पर मैंने फिर से क्रीम लगा के एक बार और इसके ऊपर घुमा दिया था। उसके बाद बोर्ड वगैरह क्लीन करके ये फोक लिया, फोक से इस तरह से पैटर्न बनाया है और कहीं कहीं पर इस तरह से गोल निशान दिया है, क्योंकि जो बैरल वाला केक होता है उसमें इस तरह का निशान होता है, पैटर्न होता है, इसी वजह से। तो इस टाइम से ही मेरा केक देखने में अच्छा लगने लगा था, मतलब लग रहा था कि हाँ अच्छा बन जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ आप बार बार बनाते हो तो पता होता है कि हाँ ये ऐसे ही होगा, मगर पहली बार बनाने में नहीं पता होता। अब मैंने ये एयर वाला जो पंप है वो लिया है, इसमें ब्राउन कलर डाला है, वही चॉकलेट वाला कलर, उससे स्प्रे कर रही हूँ कलर के लिए। इससे काम बहुत आसान हो जाता है, बिल्कुल कम कलर में बहुत अच्छे से ये कलर आ जाता है केक के ऊपर, डार्क जैसा भी आप चाहिए। तो एक बार तो मैंने ब्राउन से किया स्प्रे, उसके बाद मुझे लगा थोड़ा सा और डार्क शेड होना चाहिए, तो हल्का सा एक बूंद मैंने ब्लैक कलर मिलाया उससे किया। उसके बाद भी
सही नहीं आया तो मैंने फिर से डार्क ब्राउन शेड बनाया और उसके बाद किया, तो अब जाके ये प्रॉपर अपने कलर में आ गया था, जैसा मुझे चाहिए था कलर वैसा हो गया था। और ऐसा कर ऐसे बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन लस्टर डस्ट भी किया हल्की सी शाइन के लिए, और जहाँ जहाँ पर कम लग रहा है कलर वहाँ पर मैं फिर से कर रही हूँ स्प्रे। तो बिल्कुल हल्का सा मैंने इसके ऊपर गोल्डन लस्टर डस्ट कर दिया था, देखिए कितना अच्छा मेरा केक लग रहा था। उसके बाद ये बैरल है तो इस पर ब्लैक कलर का एक स्ट्रिप भी होगा, तो मैंने ब्लैक फॉन्डेंट को ऐसे रोल कर लिया, उसके बाद इसको लंबाई से बेल लिया। और बेलने के बाद मैंने इसकी एक पतली सी पट्टी काट ली थी। तो सिंपली पिज्जा कटर से मैंने पतली सी पट्टी कट करके इसमें से निकाल ली थी। देखिए एक बराबर साइज की मेरी पट्टी कट गई है, इसको एक तरफ रख लेंगे और दूसरे को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। ये दोनों पट्टी भी मेरी रेडी हो गई है। अब कुछ क्रीम, कलरफुल क्रीम मुझे बनाना था, तो मैंने लाइट पिंक, लाइट लाइट रेड यानी कि वो टोमेटो रेड बनाया था, और ब्लू पर दो तीन कलर बनाया था, और दो तीन तरह के नोजल में इसको डाल लिया था, N1 में डाला था और 46 नंबर वाला नोज़ल यूज़ किया, और एक मैंने रशियन नोज़ल भी यूज़ किया जो कि केक पर बनाने पर सही नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो स्क्रेपर पर बनाया था वो बहुत अच्छा से निकल गया था, ये देखिए। तो चार पांच मैंने स्क्रेपर पर बनाया था, तो मैंने बाद में उसी को यूज़ किया, वो भी आप देखिए मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने ऐसे ही बना के साइड में रख लिया था। अब एक एक करके मैं रोजेट बना रही हूँ। ये ऊपर वाले पोर्शन को पूरा फ्लावर से भर देना, क्योंकि ये फ्लावर बैरल केक है तो इसके ऊपर पूरा फ्लावर होगा भरा हुआ। तो यहाँ पर आप रोज़ भी बना के डाल सकते हैं, देखिए इस तरह से मैंने जैसे रोज़ हम उठा के रखते हैं वैसे ही मैंने इसको उठा के रख दिया, और बड़ा बहुत ही अच्छे से ये हो गया था। तो रशियन नोज़ल से अगर फ्लावर बनाना है तो इस तरह से भी बनाया जा सकता है और उठा के रखा जा सकता है, ये बात मुझे समझ में आ गई, तो आगे मुझे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रशियन नोज़ल जो होता बहुत टेक्निकल होता। तो आप कभी भी बना के आप उसके फ्लावर को आप फ्रिज में भी रख सकते हैं तो सेट हो जाएगा, तो उठा के आप अपने केक पर रख सकते हैं आराम से। तो जहाँ जहाँ गैप था मैंने सिंगल फ्लावर बनाया जहाँ, और रोजेट बनाया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था केक, धीरे धीरे ये बहुत प्यारा लगता जा रहा था। अब ये लीफ नोज़ल लिया और ग्रीन कलर की क्रीम बनाई है, और कहीं जहाँ जहाँ पर जगह बच रही है वहाँ वहाँ पर मैंने लीफ बना दिया है। कलर कोई भी ज़्यादा डार्क नहीं है, सब बिल्कुल लाइट लाइट शेड ही बनाया मैंने, ज़्यादा कलर डालने से अच्छा नहीं है, हल्का ही कलर से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। अब जो ये बची हुई क्रीम थी उसको मैंने छोटे वाले स्टार नोजल लगा करके बीच बीच में कहीं पर ड्रॉप कर दिया, फिर उसी क्रीम में थोड़ा सा येलो कलर मिक्स किया, और इस तरह से जो बेल होती है ना वो बेल बनाई है, और ये बनाते ही केक में मेरे और ज़्यादा खूबसूरती आ गई थी। अब जो क्रीम बची हुई थी उसी पाइपिंग बैग को मैंने वी कट दे दिया था और इस कलर का कुछ लीफ बना दिया था।
इसके बाद मैंने थोड़ा सा सिल्वर लस्टर डस्ट इसके ऊपर कर दिया ताकि मेरे ऊपर के फ्लावर पर बहुत प्यारी सी शाइन आ जाए, और बहुत प्यारी सी शाइन आ गई थी। बहुत प्यारा लग रहा था मेरा केक। अब आप बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। इसके बाद मैंने इसको चेक किया कि सही से वर्क कर रहा है या नहीं, तो बहुत अच्छे से वर्क नहीं किया, तो आप मेरी वाली गलती मत कीजिएगा। तो इससे बहुत अच्छे से जूस नहीं गिर रहा है, इसकी इसमें क्या हुआ ये मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये केक मेरा कोई ऑर्डर का नहीं है, बस मैंने ट्राई करने के लिए बनाया था। तो इसके जो लिड को मैंने ज़्यादा टाइट कर दिया, अगर इसको मैं थोड़ा लूज़ रखती तो एयर जाता उसके अंदर, तो वो फ्लो में जूस जो है गिरता। तो आप जब भी बनाइए तो लिड को थोड़ा लूज़ रखिएगा। और ये वाली डेकोरेशन मेरी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए कल फिर मिलेंगे हम इसी तरह की अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक अपना पूरा पूरा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।